सबसे पहले तो राम राम से भाई, गुड जय हिंद मेरी तरफ से। मैं नवी शर्मा, आप सभी को स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने बोला था कि मैं आपको पूरा मतलब फेस टू और ग्रीन कार्ड की जर्नी बताने वाला हूँ, हालांकि मैंने ग्रीन कार्ड के बारे में कुछ नहीं बताया था पिछली वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि कैसे मेरे को ग्रीन कार्ड मिला मेडिकल एयरफोर्स अग्निवीर वायु इनटेक 1/2023 का, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, एक कमेंट प्यारा सा छोड़ देना मेरे लिए, ठीक है। मोटिवेट हो जाऊंगा थोड़ा सा, ठीक है। और बाकी कोई क्वेरी वगैरह करनी हो तो हैंडल्स मेरे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं कैसे मेरे को ग्रीन कार्ड मिला, ठीक है। सबसे पहले तो मतलब जैसे मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, मेरा जो मतलब फेस टू हुआ था वो अम्बाला में हुआ था, ठीक है। तो उसका मतलब मेरी जो मतलब उन्होंने तारीख दी थी वो 4 मार्च को दिया था कि 4 मार्च को जो आपका मेडिकल होगा 1AC अम्बाला में होगा, उसकी मतलब अंदर विंग है, ठीक है। वहाँ पे SMC है, वहाँ पे आपका मेडिकल होगा, स्टेशन मेडिकेयर सेंटर बोलते हैं जिसे, वहाँ पे था। तो मैं चला गया, मतलब वहाँ पे सुबह रिपोर्टिंग थी 6 बजे, उन्होंने रिपोर्टिंग का टाइम दिया गया था और टोटल 45 बच्चे की रिपोर्टिंग थी। उनमें से करीब एक बच्चा ही था जो एब्सेंट था, बाकी सारे प्रेजेंट थे, 44 प्रेजेंट थे। तो स्टार्टिंग में हमें अंदर ले गए, ठीक है। जैसे उन्होंने 6 बजे एंट्री कर ली हमारी, ठीक है, वहाँ पे अंदर छोटा सा मतलब बरंडा टाइप का था, उस रूम ही था, रूम ही लगा लो, वहाँ पे अंदर बिठाया उन्होंने और बैग वगैरह रखवाए हमारे साइड में और तुरंत हमें ब्लड के लिए ले गए। खाली पेट ब्लड लेना था उनको, ब्लड के लिए ले गए हमें, ठीक है। जैसे मतलब वो ब्लड के लिए ले गए, हमारा ब्लड लिया सभी का पहले एक एक बार, ठीक है, सभी का ब्लड ले लिया और साथ में ब्लड ले रहे थे और साथ में मतलब छोटी सी डब्बी दे रहे थे, वहाँ पे उस पर नंबर लिखा था और उस पर यूरिन डाल के हमको अंदर डब्बे में रख देना था और हम बाहर आके बोल रहे खाना खाओ जल्दी से। उन्होंने फिर हमने वहाँ पे अपना ब्लड दिया वहाँ पे और यूरिन टेस्ट, यूरिन भी दिया थोड़ा सा। तो फिर हमने बाहर आके खाना खाया, ठीक है। खाना खाने के बाद उन्होंने एक हमें फॉर्म दिया, फॉर्म भरवाया पहले सबसे, ठीक है। वो फॉर्म था एक चेस्ट एक्सरे का था, मतलब टोटल जो मेडिकल होना था ना वो वही उसकी मतलब वही डिटेल्स दी गई थी उस फॉर्म में, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने मतलब छोटे छोटे ग्रुप बना दिए, ठीक है। किसी को चेस्ट एक्सरे करवाने के लिए ले गए, किसी का ECG करवाने के लिए ले गए, किसी का हाइट वेट टेस्ट के लिए ले गए और किसी को मतलब प्राइवेट के लिए, प्राइवेट पार्ट चेकअप करने के लिए। तो मैं आपको अपना बता रहा हूँ, तो फिर मैं बताने वाला हूँ अभी कि मेरे को सबसे पहले खाना खाने के बाद तुरंत वो ले गए कि चलिए आपका प्राइवेट पार्ट चेक होगा। हमारे मतलब टोटल 10 बच्चे थे, प्राइवेट पार्ट चेकअप करवाने के लिए सबसे पहले ले गए, ठीक है। मेरा सबसे पहले प्राइवेट पार्ट चेकअप हुआ, ठीक है। अंदर ले गए, एक छोटा सा रूम था, ठीक है, छोटा सा ही रूम था, साइड पर टेंट लगे हुए थे, ऊपर भी ऊपर छत था, साइड पर टेंट लगे हुए थे। उन्होंने हमारा पहले चेक किया, ठीक है, प्राइवेट पार्ट्स वगैरह चेक किए उन्होंने, ठीक है। प्राइवेट पार्ट्स में टोटल सब कुछ चेक करते हैं आपका, ठीक है। प्राइवेट क्या चेक करते हैं मैं बताता हूँ, वो आपका प्राइवेट पार्ट में चेकअप करेंगे, साथ साथ ही कर देंगे आपका। सबसे पहले वो करेंगे आपका कान चेक करेंगे, फिर आपका नाक चेक करेंगे, ठीक है, उसके बाद आपका थ्रॉट चेक करेंगे, ठीक है, मुँह खुलवा के चेक करेंगे और उसके बाद मतलब जो है वो आपको चड्डी उतारने के लिए बोलेंगे, ठीक है। सभी को बोला कि चड्डी उतार दो, सभी पीछे रख दो, 10-12 बच्चे थे कि आप अपनी अपनी चड्डी उतारो और पीछे रख दो। उन्होंने सबको मतलब एक ही साथ वो है कि बिना कपड़ों के खड़ा करवा दिया और बारी बारी सबका चेक करने के लिए स्टार्ट हो गए। सब कुछ चेक किया उन्होंने, ठीक है, हमारा मतलब जो प्राइवेट था सब कुछ चेक किया उन्होंने, गोली वगैरह सब कुछ चेक किया। और उसी समय उन्होंने साइड पे बेड लगा था उधर लिटा के, मतलब सब कुछ पेट वगैरह चेक किया उन्होंने, सब कुछ मतलब अंदर ही कर दिया, ठीक है। उसमें मतलब मेरे को पहले उन्हें मतलब नाक का जो है वो मतलब DNS डाला था और बोला कि राइट कान में भी थोड़ी सी वैक्स है, इधर भी उन्होंने लिख दिया। उसके बाद सब कुछ हो गया और बाहर आ गए। उसके बाद फिर हमको ले गए चेस्ट एक्सरे के लिए। जैसे हम चेस्ट एक्सरे के लिए गए कि वहाँ पे भी चेस्ट एक्सरे किया, सब कुछ ठीक था, ठीक है। उसके बाद BP चेक करवाया, वो भी ठीक था, ठीक है। और उसके बाद हमें ले गए हाइट वेट टेस्ट के लिए, ठीक है, हाइट वेट टेस्ट के लिए ले गए। मेरा मतलब वेट था वो 45 था, ठीक है, 45 जो मेरा वेट था और मेरी हाइट 165 की उन्होंने। मेरे को डर भी था कि भाई अंडर वेट डाल देंगे, अब मैं रह जाऊँगा, ठीक है। तो अंडर वेट वालों के लिए भी अच्छी बात है कि भाई वेट में अंडर वेट वालों को नहीं निकालते ना, ओवर वेट वालों को निकालते हैं, ठीक है, उसकी टेंशन आप मतलब जो 6-7 किलो 5-6 किलो होगा तो आपको नहीं निकालेंगे, अगर ज़्यादा होगा तो मे भी आपको रीमेडिकल डाल सकते हैं वो, ठीक है, उनकी मर्ज़ी है, उन पर डिपेंड करता है। मेरा अम्बाला था तो क्या पता अलग अलग AC का हिसाब हो।
लेकिन मैक्सिमम यही कहते हैं सब जगह। उसके बाद मेरा ECG हुआ, सब कुछ हो गया, बस ये चीज़ें थी। तो बाकी उन्होंने हाथ वगैरह चेक किए, टांग वगैरह, नॉकनी वगैरह, फ्लैट फुट चेक किया, सब कुछ चेक किया। पहले उन्होंने पुशअप वगैरह करवाए, जंप वगैरह करवाए, फिर हमारा स्वेटिंग इन हैंड देखा, ठीक है, सब के हाथ में देखा। और वहाँ पे एक दो बच्चा भी था जिनका मतलब कि बाजू तो टेढ़ी थी थोड़ी, है ना, उनको भी थोड़ा हुआ, उनको शायद पड़ गया था। फिर ये ओवरऑल होने के बाद एक बार उन्होंने बीच में ब्लड भी लिया था, फिर से खाना खाने के बाद एक बार फिर से उन्होंने ब्लड लिया था, ठीक है। ये था मेरा मेडिकल। उसके बाद बिठा दिया उन्होंने उधर, बिठाने से पहले एक बार उन्होंने फिर से चेक किया, फिर मतलब कोई मतलब हाई रैंक के सर आए, ठीक है, उन्होंने एक बार मेरा कान चेक किया, राइट वाला, ठीक है, राइट वाला कान चेक किया उन्होंने मेरा, ये सही है। फिर उन्होंने नाक किया मेरा थोड़ा सा चेक, ठीक है, नाक किया उन्होंने थोड़ा सा चेक, फिर वो कुछ बोले नहीं। मैंने क्या पता यार रह गया होगा, सर ने तो बोला नहीं ये सही है, पेंसिल के साथ तो लिख दिया था उन्होंने कि इसको नाक का है। मैं थोड़ा डर रहा था। फिर शाम को करीब 4-5 बजे उन्होंने छोड़ा, ठीक है, 4-5 बजे के आसपास उन्होंने रिजल्ट आया उसका। मैं डर रहा था तब से यार नाक का पड़ जाएगा, अंडरबिट का पड़ जाएगा, लेकिन जैसे ही मतलब 2 बजे हमारा कंप्लीट हो गया था और 4-5 बजे के आसपास उन्होंने आगे मतलब लिस्ट लेके आ गए। लिस्ट में वो चेस्ट नंबर बोले थे सभी का, चेस्ट नंबर बोले थे, और मेरा 447 था चेस्ट नंबर, बोला 446 बोला उन्होंने, 447 जैसे बोला, मैं मतलब थोड़ा अंदर से बहुत ज़्यादा मतलब प्राउड फील हो रहा था कि नहीं यार सच में हो गया, मेरे को यकीन नहीं हो रहा भाई, ग्रीन कार्ड हो गया। बोले क्या जम्मू वाले चाहिए तेरे को, मैंने जी सर चल फिर लाइन में, मतलब ऐसे थोड़ा सा मतलब फ़नी, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी फ़नी नेचर के थे, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही फ्रेंडली थे, मतलब ASM वाले बहुत ही अच्छे थे, मतलब फ्रेंडली नेचर के थे भाई, सबके साथ रहेंगे, मतलब बहुत ही मज़ा आया यार उनके साथ। मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि हम मेडिकल देने गए थे, ऐसा लग रहा था कि यार भाइयों के पास ही गए थे अपने, ठीक है। तो उसके बाद ग्रीन कार्ड दे दिया उन्होंने, साइन वगैरह करवाए, मतलब टोटल जो थे मतलब 21 बच्चे जो मतलब है उनको मतलब ग्रीन कार्ड मिल गया, और 23 बच्चे हैं जो मतलब जिनको रेड कार्ड मिला। हाल की उनमें से मैक्सिमम बच्चों का भी मतलब जो है वो फिर से ग्रीन कार्ड फिर से मिल गया होगा, ठीक है ना। तो ये थी मेरी मेडिकल की जर्नी, कैसे मेरे को ग्रीन कार्ड मिला, है ना। तो भाई मैं आपको इस वीडियो से एक ही चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ कि भाई आपको मतलब जैसे हो आप वैसे ठीक हो, ठीक है, आपको ज़्यादा मतलब आलतू फालतू चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, जिससे आपको मतलब शरीर को कोई नुकसान हो, इंजरी हो, है ना। तो बाकी मेडिकल सब कुछ ओके होता है यार। उन्होंने जैसे हाइट एडजस्ट किया था ना, वहीं पे उन्होंने दांत, कान, दांत वगैरह, आँख वगैरह चेक कर ली थी उधर ही, है ना। वहाँ पे मतलब 23 बच्चों को जो ग्रीन कार्ड मिला था उसमें से कई बच्चे, ज़्यादातर बच्चे थे जिनको नाक का DNS पड़ा था। तो आप अपनी बस नाक की हड्डी पे ज़्यादा ध्यान देना, बस इसको ना हो एक बार खुद चेक करवा लेना और लेज़र सर्जरी करवा लेना एडवांस में, ठीक है, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। इसमें बहुत सारे बच्चों को बाहर निकालते हैं वो नाक की हड्डी में, है ना। तो ये थी मेरी ग्रीन कार्ड वाली जर्नी। तो आपको मेडिकल से डरना नहीं है, फेस टू से डरना नहीं है, सब कुछ क्लियर हो जाता है। सबसे पहले आप अपने एग्ज़ाम पे फोकस करो भाई, अगर एग्ज़ाम आपका एक बार क्लियर हो गया ना, ज्वाइनिंग हो जाएगी भाई, बस एग्ज़ाम का बस, ठीक है। बाकी वीडियो कैसी लगी आपको, आपके लिए अगर हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करिए। अपकमिंग जो अग्निवीर भाई हो वो भी इस वीडियो को देखेंगे ज़रूर, मेरे को पता है। प्लीज़ आपको एक ही चीज़ बोलूँगा, आपको कोई भी ज़रूरत हो ना प्लीज़ मेरे से पूछ लेना, मेरे को बहुत सारा मतलब खुशी होगी आपकी मदद करके, ठीक है। आपको इंस्टाग्राम का अकाउंट नीचे लिंक दे देता हूँ, प्लीज़ मेरे को मैसेज कर देना अगर कोई भी आपको दिक्कत होगी, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी आपको मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच। जय हिंद।